नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ज्यूरिसडिक्शन के बारे में। देखिए, ज्यूरिसडिक्शन का हिंदी मीनिंग अधिकार क्षेत्र और न्यायाधिकार होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ज्यूरिसडिक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, देखिए, जिस क्षेत्र में किसी देश का कानून लागू होता है और उस लीगल कानून और पावर के द्वारा उस क्षेत्र को कंट्रोल किया जाता है, हम उसे ज्यूरिसडिक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी आसान शब्दों में कहे तो किसी भी देश का जिस क्षेत्र में कब्जा होता है उसी का अधिकार क्षेत्र होता है और इसे कानून के द्वारा उस क्षेत्र को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। POK डज नॉट कम इन इंडियन ज्यूरिसडिक्शन, यानी आसान शब्दों में कहे इनका हिंदी मीनिंग क्या होता है, POK भारतीय अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि भारत का कानून POK में लागू नहीं होता है क्योंकि POK भारत के कब्जे में नहीं आता है, क्योंकि POK पाकिस्तान के क्षेत्र में कब्जे में आता है। ठीक है, देखिए, ज्यूरिसडिक्शन का दूसरा मतलब न्यायाधिकार होता है। एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज नॉट इन माई ज्यूरिसडिक्शन, यह मेरे न्यायाधिकार में नहीं आता है, इसका हिंदी मीनिंग यही होता है। सरल शब्दों में कहे तो न्याय देने का अधिकार सिर्फ जज के पास होता है और आम नागरिक के पास नहीं होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि ज्यूरिसडिक्शन के बारे में आप लोग मतलब सीख लिए हैं। इस वीडियो का अंत यही होता है। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब अवश्य कर ले। ठीक है।